आपको पता ही है कि चिपेंडल्स रेस्क्यू इंजन का ऑफशूट रहा। आगे बाय लिटरली मई 20 को स्ट्रीमिंग होने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और डिज्नी के बारे में हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, वो जब स्नो वाइट एंड सेवन डॉट्स लेके आया तो उसमें ही पता चल गया था कि डिज्नी का लेवल कहाँ जाने वाला है। और उसके बाद जब ये लेवल चेंज होता गया और अपग्रेडेड होता गया, सबसे अगर हमको लगता है कि सक्सेसफुल कोई भी अगर एनिमेशन प्लेटफॉर्म है डिज्नी ही बना। और बेसिकली उन्होंने अपने आप को काफी चेंजेस किया और इस समय टॉप अपग्रेडेबल किड्स कंटेंट के मामले में इसको टक्कर कोई नहीं दे सकता, बिकॉज डिज्नी के पास ही मार्वल है और मार्वल ही सबसे दो मजा। तो इवेंचुअली वो एक चाणक्य बुद्धि लाता है कि आप लड़ नहीं सकते तो आप उसको दोस्त बना लीजिए और कंपटीशन ही को क्लीन डाउन कर दिए। तो इवेंचुअली चिप एंड डेल्स का विद रेस्क्यू रेंजर्स पहली बार लाइव एक्शन ओरिजिनल मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाले भाई मई 20 को बनाया भाई एक ब्यूटीफुल कंटेंट, एक मतलब टू टूरिज्म बेस्ड कंटेंट, एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग कंटेंट जहाँ पे डिज्नी के कुछ कैरेक्टर्स आपको रेफरेंसेस के रूप में दिखेंगे। इवेंचुअली इतना पावरफुल पैक ये लगने वाला भाई, लिटरली मैं इसके बारे में एक टू दी पॉइंट आपको हिट देता हूँ। एवरक्लॉक्स इस ट्रैक के टू दी पॉइंट हिट को एग्रीकल्चर करता है, मस्त बनाता है भाई, कंटेंट आपके नाम का है एंड दैट्स ब्यूटीफुल टच ऑफ एवरक्लॉक्स भाई। चिपेंडेंस के ट्रेलर भाई इतनी मस्ती ग्रैंड मस्ती टाइप की लग रही थी कि चलो डिज्नी वाले अगर जो किड्स कंटेंट देखते हैं तो हम लोग जो लाइन किंग बेसिकली किड्स ही नहीं देखते हैं, चलो हम लोग भी देखते हैं बिकॉज हम लोग की वो बचपन से जुड़ा है और हम लोग भी एक समय किड्स में करते थे। और वहां से एक जो क्या भी आप सोच सकते थे कि यार स्पाइडरमैन तीनों स्पाइडरमैन मिलेंगे पॉसिबल नहीं, तो शायद डिज्नी भी इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने वाला है जहाँ पे सेवन डॉग्स का भी रियल लाइफ स्टोरी ला सकता है। अभी तो चिपेंडल्स एंड रेस्क्यू रेंजर्स का लाया, तो भाई कितना लगा आपको ट्रेलर ऑफ चिपेंडल्स रेस्क्यू रेंजर का, ये रिव्यू कमेंट करके जो बताइएगा।